तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है निखिल और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका पेटीएम में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और उनके पैसे भी कट जाते हैं, और होता क्या है कि कुछ दिन के बाद भी उनके पैसे रिफंड नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा है या फिर मुझे कमेंट में भी लोग पूछते रहते हैं कि उनका पेटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, तो अब कैसे पेटीएम को कॉन्टैक्ट करें और कैसे अपना जो अमाउंट है वो रिफंड लाएं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम और आती है कि वो अपने फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को या फिर मैं कहूँ किसी भी मर्चेंट को जब पेटीएम से पैसा भेजते हैं तो उनके अकाउंट से तो पैसा कट जाता है लेकिन सामने वाले को पैसा रिसीव नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक जैसी ही हैं, और जो आज की वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ पेटीएम को कॉन्टैक्ट करने का और आपका पैसा वापस मिलने का, वो आप सारी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर ये मेरा पेटीएम अकाउंट है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या प्रोसेस अपनाना होगा अगर आपका भी पेटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो गया है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि सामने वाले को पैसा रिसीव नहीं हुआ है और आपके अकाउंट से कट गया है। और दोस्तों ऐसा भी कई बार होता है कि आप गलती से किसी गलत नंबर पे पेटीएम के पैसे भेज देते हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आपने किसी गलत आदमी को पैसे भेज दिए हैं, गलत नंबर पे पैसे भेज दिए हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने पैसे वापस कैसे मंगा सकते हो, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। अभी बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और पैसा कट गया है तो उस पैसे को वापस कैसे लाना है या फिर उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी पासबुक में जाना होगा आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी देखने के लिए, और जैसे ही आप अपनी पासबुक ओपन करोगे वहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन शो हो रही होंगी जो भी आपने पास्ट में करी होंगी, और जो भी ट्रांजेक्शन फेल होगी और जिसमें पैसा कट गया होगा वहाँ पे लिखा आ रहा होगा ट्रांजेक्शन फेल्ड। कई बार ऐसा होता है ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद पैसा कट जाता है और वो रिफंड भी हो जाता है 48 आवर्स के अंदर अंदर, लेकिन अगर आपका पैसा वापस नहीं आया या फिर 48 आवर्स से पहले भी आप एक प्रोसेस को अपना सकते हो जिससे कि आपका पैसा यकीनन वापस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपकी फेल ट्रांजेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। मेरे पास अभी यहाँ पे फेल ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम होगा। आपको उस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फेल हुई होगी। उस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नीड हेल्प का। जैसे ही आप नीड हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब कीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैशबैक रिलेटेड क्वेरीज या फिर इशू विद मर्चेंट ट्रांजेक्शन। तो हमें यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इशू विद मर्चेंट ट्रांजेक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया है लेकिन मुझे सर्विस रिसीव नहीं हुई है। लेकिन मेरे को सर्विस रिसीव हो गई है। अगर आप लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है या फिर आपको सर्विस रिसीव नहीं हुई है तो आपके हो सकता है यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन फेल्ड मनी डिडक्टेड, तो आपको उसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मैसेज अस का, तो ये ऑप्शन आपको खोलना है मैसेज अस का। तो जैसे ही आप मैसेज अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल खुल जाएगा, और यहाँ से आप पेटीएम की टीम को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम बता के। और नीचे यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन भी आ रहा है जिससे आप अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भेज सकते हो, और यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉब्लम है वो वर्ड्स में लिखना होगा, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू है, आपके पैसे कट गए हैं या फिर जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद और यहाँ पे मैसेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सेंड करना होगा। जैसे ही आप ये ईमेल सेंड कर दोगे पेटीएम की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी और आपका जो पैसा है वो जल्दी रिफंड हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस था जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो ये प्रोसेस को आप अपना लीजिए और 99% मैं बोलता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको पेटीएम की टीम को कॉन्टैक्ट करना है और आपका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों एक वीडियो मैंने और बनाया है, उसको भी आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स लेकर के आता रहता हूँ।